आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे बच्चा स्कूल नहीं जंग पे जा रहा है। और एक हम थे जो बचपन में हमेशा लतिया के स्कूल भेजे गए। जिस दिन रात नहीं पड़ती थी ना, उस दिन समझ जाते थे कि आज संडे है। वेलकम बैक दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि लाइफ में कोई है जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई है? कोई है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? कोई है जो मुझे खुश नहीं देखना चाहता? आज की कहानी आपको ये बताएगी वो कौन है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। ऐसा ही हर इंसान को महसूस होता है, ऐसा ही हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर परिवार में होता है, हर ऑफिस में होता है। एक बार एक कंपनी के मालिक को लगा कि हमारे ऑफिस के लोग काम क्यों नहीं कर रहे, मेरे ऑफिस में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उसे एक आइडिया आया, उसने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगवा दिया। नेक्स्ट डे जब सारे एम्प्लॉयज ऑफिस आने लगे तो उस नोटिस बोर्ड पर वो पढ़ रहे थे और उसमें लिखा था कि कल शाम जो आपसे बहुत नफरत करता था, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, उनका निधन हो गया है। हम आपको इनवाइट करते हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए जो कि लंच टाइम में आज हॉल में है। लोग नोटिस पढ़ते जा रहे थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ वो गया, अब मेरा प्रमोशन पक्का है, मेरी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, अब मेरी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन एक्साइटमेंट भी था कि लोगों में कि ऐसा कौन है जिसकी डेथ हो गई। सब एक दूसरे से बातें करने लगे। लंच टाइम हुआ, धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज को हॉल के अंदर बुलाया गया। कॉफिन हॉल के बीचों बीच रखा था और सभी लोगों को बोला गया कि एक एक करके अंतिम दर्शन कर लेना। सब एक एक करके कॉफिन के पास जाने लगे और जैसे ही कॉफिन के अंदर देखते एकदम सुन्न हो जाते थे और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते थे। सबको ऐसा लगा कि उनकी आत्मा को किसी ने छू लिया, क्योंकि उस कॉफिन में मिरर था और उस कांच के पास में एक कागज रखा था, उसमें लिखा था आप ही हैं जो आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं, आप ही हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना दोस्तों, लाइफ में आपके फ्रेंड्स बदलते हैं, कलीग्स बदलते हैं, आपके पार्टनर्स बदलते हैं, आपकी फैमिली में लोग चले जाते हैं छोड़ करके, लेकिन आपकी जिंदगी तभी बदलती है जब आप बदलते हैं। ये दुनिया एक मिरर है, आपका रिफ्लेक्शन है, जैसा सोचते हैं वैसा ही दिखेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर रोल मॉडल बनना है तो खुद के बनिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, आपकी ग्रोथ फिर कोई नहीं रोक सकता। कहानी पसंद आई हो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक यू।